मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला के चेहरे को ब्लेड से चीर देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित महिला से मिलने उनके निवास पहुंचे। उन्होंने उसे भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने पीड़िता के परिवार को 1,00,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। शिवराज ने कहा कि पीड़िता के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। जिस हिम्मत से बदमाशों का मुकाबला किया वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरक है। दरअसल भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में 9 जून की शाम रोशनपुरा चौराहे के पास महिला के साथ मारपीट और पेपर कटर से चेहरे पर वार करने की घटना हुई थी। वहीं आरोपियों के घर का अवैध निर्माण भी गिराया था। 11 और 12 जून की दरमियानी रात में पुलिस ने 38 साल के मुख्य आरोपी बादशाह बैग के साथ उसके 2 नाबालिग साथियों अजय और निखिल को पकड़ लिया। बहन सीमा सोलंकी से मिलने आया था। ये वो बहादुर बहन है जिसने गुंडों ने जब छेड़छाड़ की कोशिश की तो उनको थप्पड़ मारा था। पहले वो भाग गए थे भीड़ देख के, और बाद में जब अपने पति के साथ सीमा जा रही थी तो ब्लेड उसको मारी। इस घटना से मेरा मन दुखी भी है लेकिन उद्वेलित ज्यादा है। जिन अपराधियों ने ये पाप किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज सवेरे ही मैंने बैठक बुला के साफ कह दिया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार तो हो गए, कठोरतम कार्रवाई होगी।